मैं और भाई विकास जा रहे हैं अभी जो है चंडीगढ़। अभी देखते हैं जरा कितने बजे तक पहुंचते हैं। अभी टाइम देख लेते हैं जरा क्या टाइम हुआ है। पूरे पूरे 3 बज रहे हैं भाई अभी जो है, तो देखते हैं क्योंकि रोड की हालत थोड़ी ख़राब है तो उस वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी देखते हैं कितने टाइम में हम लोग चंडीगढ़ पहुँचते हैं और आप लोगों को भी सफ़र करवाते हैं भाई अभी जो है क्या हालात है रोड के और रोड के दर्शन करवाते हैं। तो देखते रहें जरा आगे वीडियो। यार हम लोग जो अभी टनल में जो एंटर होने वाले हैं और हम लोग जो अभी गाड़ी में आ चुके हैं इधर से, और आज दिखाते हैं भाई गाड़ी से जो है अपना सोलन से जो है चंडीगढ़ का सफ़र भाई आप लोगों को। और ये टनल जो है अभी थोड़े दिन पहले ही खुली है, उससे पहले जो है इधर फ्लाईओवर जो है टूट गया था, तो अब जो है इन्होंने ओपन कर दिया है, रिपेयर हो चुकी है, तो अब जो है वन साइडेड रोड हो चुका है इधर। काफ़ी लोग जो वैसे परेशान होते हैं इधर फ्लाई ओवर ऊपर आने के बाद जो बोलते हैं भाई ये रोड कहाँ जा रहा है। आगे जो हम लोगों से आगे सेंट्रो चल रही है ना भाई, तो उसमें गाड़ी नंबर देखो जरा HP 25A 1234। वाह भैया जी वाह। और बाकी अभी हम लोग पहुँच गए धर्मपुर। धर्मपुर तक तो रोड की कंडीशन एकदम ओके बोल सकते हैं। एक तो जगह है बस जहाँ पे जो है उन्होंने डबल लाइन कर रखी है, बाकी तो सिंगल ही चल रहा है भाई। बाकी इससे आगे थोड़ा रोड की कंडीशन थोड़ी ख़राब मिल सकती है आप लोगों को, क्योंकि चक्की मोड़ का तो आप लोगों को पता है, वो तो सभी को पता होगा, बाकी जाने के बाद पता लगेगा उधर अभी क्या हालात है उधर। हम लोग अभी पहुंच गए इधर सनवारा जो है टोल प्लाजा पे। इधर मैं भी जहाँ तक आइडिया मेरा है और जहाँ तक न्यूज़ में देखा गया था कि अभी जो है इधर टोल वगैरह जो है बंद कर दिए गए हैं, बाकी तो आ जाके पता लगेगा भाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। लग नहीं रहा है कोई ले रहा, अंदर बैठ है तो है, बैठे हुए यार बंदे हैं। नरिया पहन चढ़नी है टूल लगो ये लो ऐसे काट लो। सो 40 लो यार, न्यूज़ में तो देखने के लिए मिला था कि इधर टोल टैक्स जो है बंद हो गया है, बट अभी तो यहाँ पे लिया जा रहा है। मैं बोलूँ यार डड़ा थड़ा ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। 140 का चुना लग गया भाई, डबल मतलब डबल लिया जा रहा है। 70 दूना 140 लूट में जाके रखी है। रोड क्या देखो हाल जरा आजकल क्या है, ये देखो इधर पूरा रोड ही बैठ गया भाई नीचे, और साथ में जो है होटल था इधर, होटल भी जा चुका है, और ऊपर वाली साइड भी जो है रोड का कुछ हालात सस्ता ही है भाई। और ये इस साइड भी देखो भाई, ये भी देखो इधर ये भी पूरा टूट चुका है भाई, पूरा बैठ गया जमीन इधर। ओ और जहां से हम निकल रहे हैं अभी ये भी बैठने वाली है, और इसके लिए बहुत खतरनाक है भाई बारिश है ना ऊपर से ही। अभी आगे आगे देखते हैं होता है क्या, अभी तो शुरुआत है बस। ये यार अभी हम लोग पहुंच गए भाई इधर चक्की मोड़, और ये देखो इधर के रोड के हालात जो है ना अभी भाई, अभी भी जो है मशीनें वगैरह लगी हुई है इधर और काम चला हुआ है, मतलब ये कि गाड़ियां नहीं रुकनी चाहिए भाई, गाड़ियां निकलती रहनी चाहिए इधर, हर टाइम जो है मशीन लगी हुई है।
रोड खाली करने के लिए। भाई बहुत ही गंदे हाल आते इधर, तो आगे धूल ही धूल उठ गई है भाई, धूल ही धूल हो रही है, धूल ही धूल। दोस्तों ऐसे पहुंच गए पिंजौर, तो थोड़ा रेगा था अब तो उठा के, तो खबा जो है अपना टोल प्लाजा जाने वाला भाई पिंजौर वाला, बाकी तो खबा ऐसे से जाना मनी माजरा अंदर, और तथा बाद देखूंगा ऐसा कई जगह आना जरा लोकेशन पाई गई पता करते बंदे दे टाटा मोटर कई जगह जरा मनी माजरे बारले वाली साइड पिंजौर नहीं यार पंचकुला इसे ही रोड है जितने हिमाचली मारे जो है ना आने पहले सोच लो भी बार जाओ तो जाओ कहीं चलान ना जाओ मेरा आगे। अभी तक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है नहीं, बस आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे ना भाई गर्मी तो और ज़्यादा मिलने वाली है हम लोगों को। अभी तो नॉर्मल है, हम लोगों ने तो एसी भी नहीं चला रखा अभी तक तो। तेरे बड़ी खा जा सारा पी पी करने वास्ते, अभी हम लोगों ने एसी बिल्कुल भी नहीं चला रखा है। बाकी रोड की अगर बात की जाए तो बीच बीच में खराब है वैसे तो भाई, मतलब ठीक ठाक है 80% तो ठीक है, वैसे 20% जगह जगह पे कहीं कहीं हमारा जो है जहाँ पे डबल लाइन थी वहाँ पे सिंगल चल रही है, वो भी जो है ऊपर वाली साइड है जब हम लोग चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जा रहे हैं। बाकी तो वैसे ठीक ठाक है रोड, अभी हम लोगों को 1 घंटा होने वाला है बस, और हम लोग जो है पंचकुला के नज़दीक है टोल प्लाजा के इधर। तो यार अभी हम लोग पहुंच गए इधर अपने चंडी मंदिर, मनीमाजरा से थोड़ा सा पीछे भाई, दिल्लों के बिल्कुल थोड़ा पीछे, और हम लोगों को जाना है भाई गोदरेज इटर्निया चंडीगढ़, वो पड़ता है मे बी अपना जो है जो दिल्लों के आगे वाली लाइट है ना भाई वहां से लेना है हम लोगों ने। अब इधर से बता रहा है ये लेफ्ट लेने के लिए, और ये रहा इधर सामने दिल्लो, और इसके पीछे है अपना मनी माजरा जो है मोटर मार्केट जो है। कभी भी चंडीगढ़ आ रहे हो मनी माजरा आ रहे हो ना भाई आप लोग अगर, तो आप लोगों ने एक ध्यान रखना है कि जैसे ही आप लोग जो है चंडी मंदिर से आओगे ना इधर, तो आप लोगों को दिल्लो वाली बिल्डिंग दिखाई देगी एक, तो उधर आप लोगों ने चले जाना है भाई, और दिल्लो के बिल्कुल पीछे जो है अपनी मोटर मार्केट है उधर। निकल जाओ पाजी बाहर निकल जाओ, है देखो बस के सारे कैसे देख रहे हैं भाई। हो भाई गर्मी जब जाके लग रही है इधर जो है ना, पसीने आ गए यार गर्मी से जो है, अब जाके हम लोगों ने एसी ऑन किया है। यार हम लोग जो अभी भाई पहुंचने वाले हैं, बस 2 मिनट बता रहा है, अभी देखते हैं जरा सही लोकेशन पे पहुंचाता है मैप हम लोगों को या नहीं, ये तो भाई जाके पता लगेगा, नहीं तो फिर लाइव लोकेशन मांगनी पड़ेगी। बस 2 मिनट बता रहा है और 500 मीटर दूर बता रहा है इधर से, बाकी अब देखते हैं कि पहुंचाता है या नहीं, पूछना पड़ना अभी देखते हैं जरा, फ़ोन कर ले जरा एक बार पहले ना, अब देखते हैं जरा सही एड्रेस पे आए हैं हम लोग या नहीं। वैसे तो ये एड्रेस है इधर जो हम लोगों ने मैप पे डाला था इधर, बाकी अब देखना पड़ेगा सही है या नहीं। ये है इंडस्ट्रियल एरिया इधर जो है। तो भाई अभी जो है ना गाड़ी जो है हैंड ओवर कर दी हम लोगों ने, बाकी अभी हम लोग जो आगे ट्रिब्यून चौक पे आ गए इधर, तो सर हम लोगों को इधर छोड़ के गए और थोड़ी बहुत जो है मनी भी दे के गए हम लोगों को। तो अभी देखते हैं अभी कहाँ जाना है, क्योंकि दिन तो बहुत बड़ा हुआ है भाई, शाम को चलेंगे आराम से इधर बस से अपने फिर रूम पे पहुँच के बढ़िया से आराम फरमाएंगे भाई। अभी पैसा बहुत आ गया अपने पास, पैसे वाली दिक्कत है नहीं भाई, तो अभी चलते हैं जरा कहीं घूमने। यार अभी हम लोग जो है पहुँच गए अलांटा के बाहर, मैं कहा जब आए हैं भाई तो अलांटा में जाके आते हैं, तो देखते हैं जरा हिमाचल से आए हुए दो लड़के अलांटा में जाके क्या गुल खिलाते हैं। तो अभी ये देखो जरा फर्स्ट लुक इधर से कुछ अलांटा के इधर से।
और इधर जो है कैमरा अलाउड नहीं है, मैं कहा फोन से बनाते हैं भाई, क्या दिक्कत आ रही है। ओहो भाई बाहर इतनी गर्मी है ना, अब अंदर आके थोड़ा सुकून मिल रहा है यार, इधर थोड़ा ठंडा ठंडा है। चल यार अभी हम आ गए इधर भाई टॉप फ्लोर पे इधर, और नीचे का नज़ारा कुछ ये है इधर भाई, ये देखो सामने का, और हम लोग अभी टॉप पे इधर बिल्कुल, सुषमा जी उधर से देख रही है हमें, और ये बिल्कुल इसका सेंटर है भाई अलांटे का इधर। अभी करते हैं जरा कपड़े वगैरह भाई चेक करते हैं जरा, फिर अगर डील बन गई भाई फिर लेंगे उसके बाद जो है, क्योंकि पैसा बहुत है, इससे नीचे वाले में जाना पड़ेगा। क्यों मजा आने वाला है भाई, लास्ट तक देखता। भाई ये कैसा सोलन में लग जाए ना भाई, मौज आ जाए। ओ अच्छा से नीचे पे आ गए, क्योंकि इधर जो है भाई रेस्टोरेंट वगैरह है, खाने पीने का सामान है बस ऊपर जो है, बाकी हम लोगों को जूते वगैरह और कपड़े वगैरह के फ्लोर पे जाना है बस जो है। दोस्तों मैं एक जूता ले रहा हूँ और पूरी सैलरी जो है दान कर रहा हूँ अलांटा मॉल में जो है, लेना है किसी ने, ज़्यादा महंगा नहीं है, पिछली बार ही लिया था, ये भी तो सस्ता ही है यार, 499 का है। देखिए कितने का है ये, ओ बस 499 का, क्यों ये देखिए 499 का जूता भाई, और ये वाला जूता है, और अब देखो जरा जादू देखा, यही होता है जब गरीबी में पले हो ना, पहनना तो भाई जूता पाँव में ही है। भाई जूते बहुत सस्ते हैं यार, इधर जो है जूते थोड़े सस्ते हैं तो बाहर लेते हैं भाई। भाई किसी के लिए एयरबड्स लेके आऊँ, 299 के हैं ये वाले, लेके आऊँ 299 वाले, किसी को बोलो जल्दी। भाई अभी हम लोग जो है कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, अभी देखते हैं जरा कहाँ पे हमारी रेलगाड़ी रुकती है, बाकी फिर से हम लोग जो है ऊपर आ चुके हैं। कास के पास हो रहा है पैसा तगड़ा, टमाटर भी क्या है इसके तगड़े वाले इस बार, तो इस बार बंदा ले रहा है अलांटा मॉल से। भाई मैं तो निकला नहीं सोलन मार्केट से बाहर कभी, बाकी बंदा देख रहा है इधर 5-5 हज़ार की। भाई हम तो आए इधर टाइम पास के लिए, टाइम बहुत था
मैं कहा अभी जाके क्या करेंगे, बस मिलेगी नहीं, तो अच्छे से टाइम पास कर रहे हैं भाई अपना जो इधर जी। कहाँ जाएंगे भाई, गरीब आदमी कहाँ जा सकता है, जहाँ से वापस आए वहीं चलते। अभी हम लोग स्पेशल जा रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए, एक कहाँ है भाई वो जगह शादी की। हम लोग जो है ना इधर गुम हो गए थे थोड़ी देर, जो है हम लोगों को पता लग रहा था हम जाए तो जाए कहाँ, और हम लोग आए भाई बस यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए। बस नीचे ग्राउंड पे चले गए थे हम लोग, बाकी हम लोग पार्किंग में पहुंच गए थे, सिक्योरिटी वाला भाई अंदर आने नहीं दे रहा था, बोले कैमरा जो है गाड़ी में रखा हो, मैं कहा गाड़ी तो लेके आए नहीं भाई, बोले फिर कहीं रखा हो, मैं कहा बस में आए, बोले ड्राइवर के पास दे दो, मैं कहा ड्राइवर हम लोगों के लिए थोड़ी ना रुकेगा यार ड्राइवर बंदा, अभी फोटो वगैरह शूट करते हैं फिर चलते हैं इधर से भाई। सो यार अभी हम लोग निकल रहे हैं अलांटा से बाहर भाई, और ये देखो भाई इधर पीछे का व्यू, इधर तो अभी निकलते हैं बाहर और बाहर का माहौल देखते हैं भाई इधर से जो है। यार अभी हम लोग आगे भाई अलांटा से बाहर, इधर अंदर तो भाई ठीक है चिल्ड है भाई अंदर, और बाहर आके तो भाई धूप देख सकते हो आप, इधर से धूप आ रही है, मतलब इतना गर्मी भी नहीं है बट ये कि हिमाचल से तो ज़्यादा ही है भाई इधर गर्मी जो है, बट ठीक है भाई मौसम ठीक है, बाकी दिल के अरमां ठीक है और क्या चाहिए सबसे ज़्यादा। और ये देखो भाई एक बार जो ज़रा बहुत बढ़िया हूँ भाई मैं,